एवरीवन, वेलकम टू एलपीएम। नॉट सेट 6 आ रहा है और एग्जाम की धड़कनें भी आपकी बढ़ रही हैं। एग्जाम हॉल में और एग्जाम से पहले होने वाले स्ट्रेस, उससे होने वाली मिस्टेक्स जो कि एक एग्जाम के दौरान हम सबसे ज्यादा फेस करते हैं और उसका पूरा भुगतान हमें हमारा नॉट सेट सिलेक्शन गवा के गुजर रहा है। उससे बचने के लिए आपकी अपनी एनप्रेप लेके आई है कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो कि आप एग्जाम के ड्यूरेशन में करते हो और किस तरह उन्हें प्रिवेंट करना है, क्या स्ट्रेटेजी आपकी एग्जाम को लेकर होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस। तो 7 मिस्टेक्स विच वी डू इन द एग्जामिनेशन हॉल्स और क्या उनके प्रिवेंशन है, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है रिच ऑन द टाइम। मोस्टली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइम पर एग्जाम हॉल में नहीं पहुंचते हैं। अगर पहुंचते हैं तो समटाइम अपना आईडी कार्ड खो चुके हैं, कभी पता चलता है कि वो फोटोकॉपी जो होनी चाहिए थी हॉल टिकट की वो नहीं लेके आते हैं। तो इससे लैग से बचना है सबसे इम्पोर्टेंट। आप एक रात पहले ही अपना हॉल टिकट, अपनी ड्रेस जो आपको पहन के जानी है, जो रिस्ट्रिक्शंस उसमें दिए हैं उन्हें अवॉइड करना है, जैसे बेल्ट नहीं लगाना है, मंगलसूत्र नहीं पहनना है, ईयरिंग्स नहीं होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें आप हटाकर जो एक आपकी प्रॉपर ड्रेसअप है उसे रेडी करके रखिए। अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी आईडी आप कैरी करने वाले हो, जो आपके हॉल टिकट में रिकमेंड की गई है, उसी आईडी को आप कैरी करें। एग्ज़ाम हॉल पे हमेशा टाइम पर पहुंचना है। जस्ट टू सपोज आपका 9 o'clock का एग्ज़ाम है तो आप आधा एक घंटा पहले जाएं। हो सके अगर आपका अदर सिटी में एग्ज़ाम है तो हमेशा एक दिन पहले चले जाएं, एक दिन पहले जाके अपना एग्ज़ाम हॉल सेंटर देख के आ जाएं रात शाम को, और एक नाइट स्टे करें और सुबह मॉर्निंग में जाके अपना एग्ज़ाम सेंटर पे टाइमली चले जाएं। कई बार ऐसा होता है मेट्रो सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम सेंटर आता है और आप मेट्रो और बसेस के अंदर ही घूमते रह जाते हो और एग्ज़ाम का टाइम आपका निकल जाता है। सेकेंड आता है टाइम मैनेजमेंट। एग्ज़ाम में होता यह है कि शुरुआत में हम क्वेश्चंस को बहुत ही गौर से धीरे धीरे पढ़ रहे होते हैं, एक कछुए की चाल में चलते हैं, और फिर पता चलता है कि एग्ज़ाम में ख़त्म होने में सिर्फ 15 से 20 मिनट बाकी है और अभी बहुत सारे 40 या 45 क्वेश्चन करना बाकी है। तो टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 55 सेकंड मिलते हैं, 100 क्वेश्चन इन 90 मिनट्स अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो वही हर क्वेश्चन पे आपको ऑलमोस्ट 55 सेकंड्स एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने में, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इस पे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ आईएम इंजेक्शन, अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। हाँ, आपको क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ना है, ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, लेकिन वहाँ पर पूरा 2 से 3 मिनट उसको क्वेश्चन को सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें उस टाइम को आप यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए। जो मैथ रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है उनमें आप अपने क्वेश्चन के टाइमिंग जो है उसको यूटिलाइज़ कीजिए। तो आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको अपने पेपर को स्पेशली प्री की अगर बात की जाए, इसमें 20 क्वेश्चंस आपके मैथ रीजनिंग के समटाइम आते हैं, तो आपका प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि आप अपने क्वेश्चंस को और टाइम को 3 भागों में बांटें। कम से कम 15 मिनट का टाइम आप पहले से ही साइड कीजिए, यानी कि 100 क्वेश्चन को आप 75 मिनट में कीजिए और बचे हुए 15 मिनट जो है वो आपका रिव्यू फॉर मार्क के जो क्वेश्चन हैं या पूरे पेपर को रिव्यू करने के लिए आप अपना कीप रखिए, उसे सेफ रखिए। नेक्स्ट आता है ओवर थिंकिंग इन एग्जाम। यह बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। होता क्या है, कई बार एग्जामिनर आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता है और आप कहते हो अरे ये तो नोट सेट का एग्जाम है, नोट सेट के एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, अगर 100 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो 35 to 40 क्वेश्चन तो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल लाइन क्वेश्चन आते हैं जो कि कोई भी आंसर दे सकता है। 15 से 20 क्वेश्चन आपके सिनेरियो बेस्ड आते हैं और बाकी कुछ आपके ट्रिकी क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग क्वेश्चन रहते हैं। ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी एग्जामिनर बनाता है। तो हर क्वेश्चन को लेके आप ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, एम्स अपने स्टैंडर्ड में इतना छोटा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। बिल्कुल पूछ सकता है, बिल्कुल आएगा। 100 में से 30 से 35 या समटाइम 40 क्वेश्चन भी ऐसे हो सकते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल लाइन क्वेश्चन रहेंगे। 15 क्वेश्चन आपके सिनेरियो बेस्ड रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड के रहेंगे। तो बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स जो हम एग्जाम में करते हैं, क्वेश्चन को प्रॉपर ना पढ़ना, ऑप्शंस को प्रॉपर ना पढ़ना।
होता यह है कि क्वेश्चन के अंदर ही कुछ स्पेसिफिक पॉइंट रहता है, लाइक नॉट, नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, विच ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिनको आप जल्दीबाजी में अवॉइड कर देते हो और वो आंसर करके आ जाते हो जो कि सबसे ज़्यादा गलत होने वाला है। तो इस सिली मिस्टेक से बचना है। इससे बचने का तरीका ये है कि आपको क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना है, क्वेश्चन को ब्रेक्स करना है। अगर बड़ा क्वेश्चन है, 3 से 4 लाइन का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप उसे ब्रेक कीजिए। उसमें जो पॉइंट स्पेसिफिक दिए रखे हैं उन पॉइंट स्पेसिफिक को पढ़िए कि इसमें मुझे क्या क्या हिंट्स दिए गए हैं, उन हिंट्स को ब्रेक कीजिए और फिर अपना आंसर जो है वो एलिमिनेशन मेथड लगाकर प्रॉपरली अटेम्प्ट कीजिए। नॉट, एक्सेप्ट, नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स, इन सारे की पॉइंट्स से या की जो वर्ड्स से उनका आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है कितने क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। हर एग्जाम में स्टूडेंट का ये जरूर पूछता है, सर क्वेश्चन कितने करने हैं। तो देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी आज तक 200 क्वेश्चन कर 200 में से 200 नंबर या 100 क्वेश्चन का अगर पेपर है तो 100 में से 100 आंसर करके कभी भी सिलेक्ट नहीं होता है। स्ट्रेटेजीज जो होती है वो आपकी डिपेंड करती है नेगेटिव मार्किंग। अगर आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो, जैसे आप पहले 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, पहले 100 से मतलब है कि आप सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, वहाँ पर आपने कुछ क्वेश्चन थे जो आपने लेफ्ट कर दिए, आपको पता नहीं था कि इनका आंसर क्या होगा, आपने पढ़े नहीं थे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको आपने मार्क फॉर रिव्यू पर रखा है कि मैं इस पर वापस एक बार विचार करूँगा, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करते हैं। जब आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो है 50% से ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 85% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। रिस्क और नॉट रिस्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको डियर स्टूडेंट्स बताने जा रहा हूँ। मार्क फॉर रिव्यू, गलती हमारी कब होती है, पता चलता है हमारा सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमने नेगेटिव क्वेश्चन इतने कर दिए कि हम सिलेक्ट होते हुए भी अपने नेगेटिव की वजह से नीचे आ गए। वो कारण होता है प्रॉपर स्ट्रेटेजी करने का। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी ये बनानी होती है, आपको दो कॉलम बनाने हैं, एक तरफ आपको लिखना है रिस्क, एक तरफ आपको लिखना है नॉट रिस्क। रिस्क के अंदर वही आपको क्वेश्चन पहले से ही नोट डाउन करके चलना है। पहला क्वेश्चन आपने किया, आपको आ रहा है, ओके कर दिया। दूसरा क्वेश्चन आपने गए, आपको नहीं आ रहा, आपने छोड़ दिया। तीसरा क्वेश्चन आपने आप गए, उस क्वेश्चन में दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, दो ऑप्शन के बीच में आपको लग रहा है कि डाउट है, तो यहाँ पर आपका आंसर राइट होने के चांसेस हैं। लेकिन आपने क्वेश्चन को पढ़ा है, आपको लग रहा है मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, लेकिन चारों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन राइट होने के चांसेस 25% है। ऐसे क्वेश्चन पे आपको मार्क और रिव्यू को नोट करके रखना है कि मुझे इसके लिए। इससे क्या होगा, मार्क फॉर रिव्यू के जो 25 से 30 क्वेश्चन थे वो दो भागों में बट जाएंगे, पहले वो जिस पे रिस्क लेना है, दूसरे वो जिस पे रिस्क नहीं लेना है। 100 क्वेश्चन किए अपने, आपने किए, आपने देखा कि 55 क्वेश्चन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट हो रहे हैं। अब आपके 15 क्वेश्चन मान लो ऐसे हैं जो आपने रिस्क पे रखे हैं और 10 क्वेश्चन आपके नॉट रिस्क पे हैं, तो आप सिर्फ रिस्क वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। उनमें से भी हो सकता है एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन सारे गलत नहीं होंगे, वहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल आप फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट आता है अटेम्प्टिंग लेस। कुछ लोगों की स्ट्रेटेजी होती है कि मुझे कम ही क्वेश्चन करने हैं ताकि नेगेटिव ज़्यादा ना हो, तो उसमें पता चलता है कि वो मेरिट लिस्ट से क्या वो क्वालिफाई से ही बाहर हो गए, इतने कम क्वेश्चन करके आए कि क्वालिफाई नहीं हो जाए। तो ये भी आपको नहीं करना है, आपकी स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि आपको 80-85% यानी कि 100 में से 80-85% क्वेश्चन करने ही हैं, उसमें आपके रिस्क वाले क्वेश्चन पे आ गए और स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट। नेक्स्ट आता है 7th मिस्टेक, वो है गेटिंग पैनिक और स्ट्रेस। भाई उम्मीदें कुछ ज़्यादा रहती है, एग्ज़ाम में आपको पाल्पिटेशन होने लग जाती है। वो कब होता है, वो तब होता है जब आप ओवरथिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं। आपके सारी वो चीज़ें जो आपके फैमिली इश्यूज़ है वो आपके माइंड में घूमने लगते हैं और एग्ज़ाम से पहले ही आप पैनिक और स्ट्रेस्ड हो जाते हो। जितने फ्री माइंड होकर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करने चाहिए थे वो आप नहीं करते। उसके लिए देखो, आपका स्पिरिचुअल होना और आपका मेंटल स्टेबल होना दोनों ही जरूरी है। मेंटल स्टेबिलिटी के लिए यह है कि अगर आपका कहीं दूर दराज शहर के अंदर एग्जाम सेंटर आया है तो आप एक दिन पहले ही चले जाओ, अपना सेंटर देख लो, रात को पूरी अच्छे से नींद लो, 8 घंटे की नींद लेनी है। कोई लोग होते हैं पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो आप 6 महीने में इतना नहीं पढ़ पाए तो एक रात में आप क्या ही करते हैं। और अगर अच्छे से पढ़ा है तो फिर कोई वैसे भी फर्क नहीं पड़ता कि एक रात में आप कितना भी पढ़ लो।
लिए एग्जाम से पहले प्रॉपर आपको स्लीप लेनी है, मेंटल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। कई बार हमने एग्जाम हॉल में देखा है ऐसा, पूरी पूरी रात बैठ के पढ़े, एग्जाम देने आए और वहाँ पर नोजिया वोमिटिंग होना स्टार्ट हो गया, गिडीनेस या वर्टिगो होना स्टार्ट हो गया और पूरा का पूरा पेपर आपका खराब हो गया। तो ये रिस्क आपको कभी भी नहीं उठाना है, पैनिक नहीं होना है, प्रॉपर आपको अच्छे से अपना स्लीप पैटर्न फॉलो करना है। 6 to 8 आवर आपको नाइट बिफोर एग्जाम की अपनी पूरी नींद लेनी है। सेम सेंटर पे ही आपको तो टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको एग्जाम हॉल में पहुँचना है। स्पिरिचुअल भी चीज़ें बिल्कुल फॉलो करनी है, सुबह सुबह आप ईश्वर का नाम लेके जाए, इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब, एक पॉजिटिव थॉट बना रहेगा। यही कुछ स्ट्रेटेजीज़ हैं इंपॉर्टेंट जो आपकी एनप्रेप आपके लिए लेके आई है, इन्हें आप एग्जाम में डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप देखोगे आपके मिस्टेक के चांसेस कम, सिलेक्शन के चांसेस कम है। आपका एनप्रेप इसीलिए बाकियों से एडवांस है कि हमारे पास स्ट्रेटेजीज है आपके अंदर क्वालिटी डेवलप। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम ऑल द एनप्रेप फैमिली, गुड लक।